अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या ले ठीक है शरीयत है दोस्तों। देखो ये नए मशीन है, उसको हुंडई का है। अभी मैं तुम लोग का दिखाता हूँ स्टार्ट करके। अभी ये देखो ब्रांड नए है, ये ऊपर मैं चला के चार दो लेवर है और लेवर में चार चार पर्शन है। अभी मैं दिखाता हूँ, देखो पकड़ो देखो बिल्कुल सिम से ऊपर ये बटन में ऊपर इधर को अंगूठा नहीं लगाना है। ये अभी मैं स्टार्ट करके तुम लोग का दिखाता हूँ कैसा करना है। ये उस्ताद हैं, आपको दिखाते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, बोलते हैं हमारे दोस्तों को थोड़ा सा जो है ना इसके बारे में मालूम हो जाए तो जिधर जाता है मार नहीं खाता है। ये आप देखो ऊपर से थोड़ा अंदर से देखो, ये चार दो लेवर है ठीक है। अभी ये दोनों आगे करेगा आगे जाएगा, पीछे करेगा पीछे जाएगा। कौन सा पीछे करके आगे जाएगा ना, कौन सा पीछे करके ना उस साइड का घूमेगा, ये पीछे करके ये आगे करेगा उस साइड का घूमेगा ठीक है। ये अब स्टार्ट करके आपको बताते हैं। फंक्शन इतना मुश्किल नहीं है इसका, बस सेम शावल जैसा ही है, इतना मुश्किल कोई नहीं है, ख़ास इसमें इतना कुछ नहीं होता है। तो जो हैंड ब्रेक है लाल वाला सामने ये देख, इसमें कोई इतना ख़ास नहीं होता, बहुत इजी होता है। बहुत बड़ा मशीनरी है, मैं थोड़ा पीछे आता है आपको पूरा मशीनरी जो है दिखाते हैं। बहुत दूर जाना पड़ता है इसलिए मशीनरी बड़ा है ना। माशाल्लाह नया मशीन है ये, हुंडई मॉडल है ना। उस्ताद का पहला मशीन सही नहीं था तो ये कंपनी ने नया मशीन दिया इसको, तो ये इसका तकरीबन 10 साल से ऊपर हो गया, 11-12 साल हो गया ये मशीन चला रहा है। ये अभी उतारा है, लबड़ से उतारा है, अभी आया है। फिर इंशाल्लाह काम पे जाएगा, काम के बारे में आपको बताएगा, सारा वीडियो देगा। तो इधर सारा उस्ताद का वीडियो पड़ा है, ये बोलता है थोड़ा वीडियो मेरा बनाओ, मैं दोस्तों को दिखाएगा। तो दोस्त मेरे सीखते हैं, कुछ यूट्यूब पे सीखते हैं। कब तुम लोग खड़ा करते हैं ना, कम से कम इधर जगह छोड़ो, क्यों तुम लोग ऊपर चढ़ने के लिए, उसको सीढ़ी नहीं है। ऐसा नहीं तुम लोग इसको साथ खड़ा करके फिर ऊपर कैसे चढ़ेगा। कम से कम ये वाला थोड़ा स्विंग करके थोड़ा उधर करके आदमी इधर से आराम से चढ़ सकते हैं ठीक है। ऐसा कोशिश करो, ऐसा करो। बाकी ये सिंबल है, ये दुकान का है, हुंडई का है, बहुत ज़बरदस्त स्वेटर है। अभी ये इंशाल्लाह कल हम लोग काम करेगा ना, मिट्टी उठाएगा तो इंशाल्लाह तुम लोग का सब कुछ बताएगा। अभी खाली मैं तुम लोग स्टार्ट करके दिखाया ना, अभी स्टार्ट करो। तो देखो दोस्तों, ये खाली मैं स्टाफ करके तुम लोग का दिखाया शेयर, ये ऐसे ऐसा तरतीब में ऐसे ऐसे तरीका में चलता है। ये पहला वाला लेवर नहीं है, पहला वाला ये एक लिप करेगा, लिप घूमेगा, वो रेड करेगा, रेड में घूमेगा ठीक है। और ये बाकी 8 पंक्शन है, 6 पंक्शन नहीं है, ये बूम के है ठीक है। ये 6 पंक्शन, और ये सबसे बड़ा बाकट है, इससे और बड़ा बाकट होगा ये नहीं है, ये बिल्कुल शेष का बाकट है। ये कम से कम 2-3 बस गाड़ी का डर के लोड हो जाता है।
और बाकी ये तुम लोग का मैं बताया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग काम करके मैं बताएगा। खो हमारा वीडियो लाइक दे दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर का बहुत सख्त ज़रूरत है ना। और ये मैं तुम लोग का और भूल गया, ठीक है, ये नहीं है, ये सेफ्टी के लिए। अभी बाकट का काम करेगा ना, अभी बाकट ऐसा लगेगा ना, फिर इधर से पत्थर आता है ना, पत्थर के शीशे सेब के, इसको सेब है, पत्थर आएगा इधर लगेगा, उधर शीशे का डैमेज नहीं होता है, ये बात है। और ये ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है, इसमें बैटरी पड़ा है, इधर दो बैटरी है, ऊपर इंजन है, ठीक है, इंजन में देखो इधर ये नज़र आते है, ये वाला ऊपर इंजन खोल सकते हैं, ये आइल सब कुछ फिल्टर इस साइडों में है, और ऊपर इंजन खोल सकता है, कोई मुश्किल का काम नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग बताया कि वे रात है ना, अभी इंशाल्लाह नज़र नहीं आते है, और ये तुम लोग का मैं स्टिकर दिखाता हूँ, देखो लोडिंग का टाइम में ये लोड क्या है, ये ट्रक में लोड होते हैं ना, ये सब आखट रखना है, क्यों ऐसा कैसा हम लोग रखे हैं ना, ये ज़मीन के लिए ट्रक में लोड करने ना, पूरा पूरा ऐसा घुमा के ऐसा नीचे करके, क्यों वो रास्ते में कभी पुल आते हैं, कभी क्या आते हैं, उन्हें ऊपर टच होता है ना, ये सबसे ऊपर है ना, तो पूरा नीचे करके और सिम सिम ऐसा करके ना पूरा ट्रक में, तो फिर क्या होता है, फिर ये नीचे होते हैं कुबरी के साथ, पंप पुल के साथ टच नहीं होते हैं। और ये मैं तुम लोग का बताया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग का और फिर बताता हूँ, ये इंजन का पूरा मैं इंशाल्लाह बताता हूँ इंजन में क्या है, तो अभी अंधेरा होने वाला है, अंधेरा कल इंशाल्लाह और बताएगा, काम का टाइम में काम बताता हूँ, इसमें काम कैसा चलता है, काम कैसा होता है। हुंडई बहुत बेहतरीन मशीन होता है, इंशाल्लाह मैं कब लोड करता हूँ ना ये लोबट में, फिर मैं तुम लोग का दिखाता हूँ इसको लोडिंग कैसा होता है।